नमस्ते फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी 15 जून को आईसीएआई की अनाउंसमेंट आई है रिगार्डिंग ऑप्ट आउट स्कीम एंड चेंज इन द करेक्शन, मतलब करेक्शन विंडो को उन्होंने ऑप्शन ओपन कर दिया कि भाई आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, बच्चों के कई बार क्वेश्चन आए कि सर ऑप्ट आउट स्कीम के लिए हम अप्लाई कैसे करें, कैसे डिक्लेरेशन सबमिट होगी, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्योंकि 20 जून इसकी लास्ट डेट है, आज 18 तारीख हो गई है, 20 जून इसकी लास्ट डेट है। 20 जून को रात को 12 बजे 11:59 तक आप ऑप्ट आउट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जी एक बार सीखते हैं कि किस तरीके से क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, दैट इज आईसीएआई डॉट एग्जाम डॉट आईसीएआई डॉट ओ आर जी। ये एक वेबसाइट होती है इंस्टीट्यूट की, आईसीएआई एग्जाम डॉट आईसीएआई डॉट ओ आर जी। ठीक है जी, आईसीएआई एग्जाम्स की वेबसाइट होती है। इस पे बेसिकली आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करते हो, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हो, तो यही वेबसाइट आपको ओपन करनी है। आपको क्या करना है जी, देखो यहाँ पर वैसे दे भी रखा है कि करेक्शन विंडो री ओपन ऑफ फैसिलिटी चेंज ऑप्ट आउट फैसिलिटी इज नाउ एप्लीकेबल। तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। सर लॉगिन आईडी और पासवर्ड कहाँ मिलेगा, अभी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपकी मेल पे आई होगी। देखो लॉगिन आईडी तो एनआरओ नंबर होता है आपका, और पासवर्ड वो मेल पर सेंड करता है इंस्टीट्यूट। तो अपनी मेल पर जाओ, तो मैं अभी किसी स्टूडेंट की डाल लेता हूँ सो दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। तो ये देखिए जी, ये मेल आई हुई है बच्चे की, तो एनआरओ नंबर है इसका, एनआरओ जो भी आप रीजन दे हो, सीआरओ डब्ल्यूआरओ एसआरओ जो भी हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, NRO 0468171, ये इस बच्चे का एनआरओ है। और पासवर्ड डाल देता हूं मैं, ये मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया। अगर मान लो सर अगर हमें पासवर्ड नहीं मिल रहा, हम भूल गए पासवर्ड, तो यू कैन क्लिक ऑन फॉरगॉट पासवर्ड। आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल्स डालकर आपका दोबारा पासवर्ड रीजनरेट हो जाएगा, तो यहां पर आप लॉगिन कर देना। तो ये हो गया जी हमारा लॉगिन, पोर्टल खुल गया। देखो बच्चों को नहीं पता, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर चेंज पासवर्ड में जाकर आप अपने पासवर्ड को चेंज कर लिया करो, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट भेजता है ये टेम्परेरी पासवर्ड होता है, ये सिर्फ वन टाइम का पासवर्ड होता है, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है। तो जो आप याद रख सको वही आप पासवर्ड यहां पर चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, इनकेस अगर आपको अपना ईमेल आईडी चेंज करनी है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, प्रोफाइल में कोई एडिट करना है, तो ये सब चीजें आप चेंज डाल सकते हो। ठीक है जी, तो देखो पहला दे रखा है अप्लाई फॉर ऑनलाइन आईपीसीसी एग्जाम, आप अगर एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो हो गया। करेक्शन विंडो आपको यहां पर क्लिक करना है, ये देखो। वैसे तो देखो क्या है, इस बच्चे ने अप्लाई कर दिया है, तो मैं यहां से इसको क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा कि इस बच्चे ने अप्लाई कर दिया है, इसलिए अप्लाइड यहां पर आ रहा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहां पर एक बटन आएगा आपका अप्लाई का, अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन किट खुल जाएगी। उसमें है कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकते हो, और आप ऑप्ट आउट स्कीम के लिए एक डिक्लेरेशन फिल कर सकते हो। डिक्लेरेशन के लिए आपको वहीं पर ही फॉर्मेट अवेलेबल होगा, वो क्या फॉर्मेट रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं, वो इंस्ट्रक्शन किट खोलते ही आपको समझ में सामने आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिक्लेरेशन है, ये बच्चे की भरी हुई डिक्लेरेशन है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो ये फिल्ड डिक्लेरेशन है, ये आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये थोड़ी क्लियर नहीं है तो थोड़ी क्लियर वाली दिखा देता हूँ। ये देखो जी, ये डिक्लेरेशन आपको मिलेगी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, तो यू कैन डाउनलोड इट। और यहां क्या लिखता है, यहां पर लिखता है सेल्फ अटेस्टेड एप्लीकेशन फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ May 2020 एग्जामिनेशन एंड अपियरिंग इन November 2020 एग्जामिनेशन। ठीक है जी, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जो बच्चों को खुद देनी है। ये डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल लेना और इसको फिल करके देन यू हैव टू अपलोड, फिर आपको स्कैन करके वो अपलोड करनी है। सर इंस्ट्रक्शन आईसीए की एफएक्यूज आ गए हैं, उसकी वीडियो भी मैंने बना दी है, मैं आपको ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूं या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस एफएक्यू में जाना, सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना, और उसमें आपको एक पॉइंट ये मिलेगा कि अगर आपके पास प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप पूरी डिक्लेरेशन को
पेपर पे लिख कर स्कैन करके साइन करके अपलोड कर सकते हो, वो भी इंस्टीट्यूट ले लेगा अगर आपके पास प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर आपको क्या डालना है, अपना नाम डालना है, फादर नेम डालना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। ये सिर्फ ऑप्ट आउट की डिक्लेरेशन है, सिग्नेचर करने है, अपना नाम डालना है आपको। अगर आप फाउंडेशन के एग्जामिनेशन दे रहे हो तो लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फाउंडेशन एग्जाम। अगर आप फाउंडेशन के बच्चे हो तो आपको पेरेंट के भी यहां पर साइन करने हैं, यहां पर आपको डेट डालनी है और यहां पर आपको प्लेस अपना डालना है। तो ये डिक्लेरेशन भरने के बाद आफ्टर दिस डिक्लेरेशन आपको यहां पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर आपको करेक्शन विंडो में अपना सेंटर चेंज करना है तो ऑप्शन नंबर वन सेलेक्ट कर दो, और अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो ऑप्शन नंबर टू को सिलेक्ट कर दो। ठीक है जी, ये सब करने के बाद जैसे आपने ऑप्ट आउट का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपके पास अपलोड का ऑप्शन आएगा, आप इस स्कैन कॉपी को अपलोड कर देना और ओके कर देना, देन योर प्रोसेस इज कंप्लीटेड। एक चीज ध्यान रखना, जो स्कैन कॉपी का साइज होना चाहिए वो 8 KB से 200 KB तक का होना चाहिए, मतलब 8 KB से लेकर 200 KB तक का आपका स्कैन कॉपी का साइज होना चाहिए, इससे ऊपर का स्कैन वो अलाउ नहीं करेगा। तो थोड़ा साइज का भी आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा स्कैन हो जाते हैं तो आप ऑनलाइन भी रिड्यूस कर सकते हो, और माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है, पेंट में जाकर भी आप थोड़ा बहुत साइज को रिड्यूस करके चल सकते हो। ये आपका एक छोटा सा प्रोसीजर है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, ज्यादा चक्करबाजी वाली बात नहीं है। क्लिक करना है, क्लिक करते ही इंस्ट्रक्शन को लेगी, डिक्लेरेशन डाउनलोड करना, आपको वहीं पर ही सीधा सीधा ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई करना, सेंटर चेंज करना सेंटर कर दो, ऑप्ट आउट करना ऑप्ट आउट कर दो, अपलोड करो, काम खत्म। ज्यादा टेक्निकल है ही नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है जी, तो आई होप ये वाली चीज आप कर लोगे। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर और मेरी ईमेल आईडी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई श्योरली हेल्प यू आउट। ठीक है जी, चलिए फिर, तो चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर जरूर कर देना। ठीक है जी, चलिए फिर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।